हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानी एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th. एंड आज हमारा 24th डे है सैम्पल पेपर चैलेंज का एंड वी आर ऑन सैम्पल पेपर नंबर 24. सो यस, जनरल इंस्ट्रक्शंस, टाइम अलॉटेड, मार्क्स, पैटर्न सब वही है. अब हम इसमें देखते हैं कि और क्या क्वेश्चंस हैं. हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है क्वेश्चंस की एंड आई एम श्योर अगर आपके प्री बोर्ड के मार्क्स मिल भी गए हैं तो आपने काफ़ी चेंज भी नोटिस किया होगा अगर आपने ये मैराथन कंटिन्यूसली किया है. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड टू सेक्शन ए. अगर मैं सेक्शन ए की बात करूँ तो सेक्शन ए में है रीडिंग पैसेज एंड रीडिंग पैसेज में है दो क्वेश्चन, दैट इज 10 मार्क्स ईच. सो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 10 मार्क्स का है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन. लेकिन पैसेज रीड करने से एक बार हम क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन क्या बोलता है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग. अब आपने इन ऑप्शंस को चूज करना है. यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन जो डिपिक्ट करता है कि भाई राइटर क्या प्रोजेक्ट करना चाहता है. द चॉइस ऑफ स्टोरीज मस्ट बी जुडिशियस. जो चॉइस ऑफ स्टोरी है इट मस्ट बी जुडिशियस. ये पैराग्राफ 6 में लाइन लिखी हुई है. तो क्या राइटर सैडनेस डिस्क्राइब कर रहा है, क्या वो कॉशन कर रहा है हमें, मतलब वार्निंग दे रहा है, या ही हैज़ अ डाउट, या वो डिनाइल दिखा रहा है. सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. लेकिन पैराग्राफ 6 सीधा रीड करने से पहले हम शुरू से लेके 6 तक रीड करते हैं ताकि हमारा रीडिंग भी अच्छे से हो जाए. और जब आप ये पैराग्राफ रीड करेंगे मेक श्योर फुल कॉन्सेंट्रेशन और फुल फोकस के साथ करें ताकि जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ में है. और वो तभी हो पाएगा जब इसको आप कंसेंट्रेटली रीड करोगे. सो लेट्स स्टार्ट. पेरेंट्स आर चेंजिंग द प्लॉट्स ऑफ क्लासिक फेरी टेल्स व्हेन रीडिंग देम अलाउड बिकॉज ऑफ वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस. ट्रेडिशनल फेबल्स सच एज लिटिल रेड राइडिंग हुड, द जिंजर ब्रेड मैन एंड द थ्री लिटिल पिग्स वर डीम्ड द वर्स्ट ऑफेंडर्स विद पेरेंट्स लिंकिंग सम ऑफ देयर एंडिंग्स टू हॉरर फिल्म्स. द पोल विच वॉज कमीशन बाय म्यूजिक मैजिक पाई इंक्लूडेड 2000 पेरेंट्स एंड रिवील दैट 1 in 4 टू क्रिएटिव लाइब्रेरीज वैन शेयरिंग फेरी टेल विद देयर चिल्ड्रन टू सूट देयर बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज. Meanwhile, another 16% confessed to banning them altogether. While these classic tales might seem playful and innocent on the surface, a closer look at the plot lines and character reveals some problematic traits. For example, in Little Red Riding Hood, the child is eaten alive by a wolf, only to be saved by a hunter who cuts her out of the animal's stomach with an axe. The Three Little Pigs also reaches a rather gory conclusion with the pigs murdering a wolf and eating it. Lest we forget the gingerbread man, whose protagonist is also eaten by a fox. It is an ending that is hard for parents to swallow, with one of them labeling it too cruel in the surface. In the survey. However, a deeper analysis of some of the nation's most popular tales unveiled even further issue with regard to political correctness. 1 in 4 parents found it inappropriate that Cinderella has to do all the cleaning in her home, while another 25% argued that Sleeping Beauty poses a consent issue, given that Prince Charming kisses the princess while she is asleep. Meanwhile, 27% that Pinocchio encourages children to tell lies, while 1 in 4 claims that the ugly duckling, in which an abused duckling is only accepted by society after he has grown into a swan, advocates body shaming. Some of these stories have been around for generations, but times have changed and there are elements to these classics which for some don't really fit into the society as they once did. We all agree that stories play a vital role in the growth and development of children. The books they read and the characters they get to know can become like friends. Reading story also helps children with their confidence levels, coping with their emotion and language learning. So stories are a great way to learn in a natural way as there is no teaching involved in it. The learners learn from simply reading the story. The choice of stories must be judicious. So the choice of story must be judicious. अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो जो नरेटर है इस पैराग्राफ का ये हमें वार्निंग दे रहा है, ठीक है. ही इज गिविंग अस वार्निंग दैट वी शुड बी कॉशियस वाइल चूजिंग द स्टोरीज वी वॉन्ट टू टीच टू आर चिल्ड्रन और वी वॉन्ट आर चिल्ड्रन टू रीड. सो द आंसर इज क्वेश्चन, ठीक है. द आंसर इज क्वेश्चन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से सप्लाई 1 point टू जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 words. अब यही लाइन है, द चॉइस ऑफ स्टोरी मस्ट बी जुडिशियस. अब इसको आपने जस्टिफाई करना है 1 point में, ठीक है. अब इसका यही पैराग्राफ आएगा अगर मैं बात करूँ स्टोरीज मस्ट बी जुडिशियस का, कि
ये वाली लाइन है, इसको आपने जस्टिफाई करना है. सो इसमें आप यही लाइन लिख सकते हो, दैट स्टोरीज प्ले अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. द बुक्स दैट दे रीड एंड कैरेक्टर्स दे गेट टू नो कैन बिकम लाइक फ्रेंड्स. रीडिंग स्टोरी ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन विद द कॉन्फिडेंस लेवल, कोपिंग विद इमोशंस एंड लैंग्वेज लर्निंग. दैट इज वाई द चॉइस ऑफ स्टोरीज मस्ट बी जुडिशियस. क्लियर? देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड आर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द राइटर. इन पैराग्राफ 4 ही सेज द अगली डकलिंग इन विच an abused duckling is only accepted by society after he has grown into a swan. The vice that this story promotes is body shaming. ये हमने यहाँ पे करा है. I'll show you this. The ugly duckling in which an abused duckling is only accepted by society after he has grown into a swan advocates body shaming. Clear? Then moving on to the next question. The passage includes some words that are opposite to each other. From set A to E, identify two sets of synonyms. यहाँ synonyms की बात हो रही है, तो word meaning हो गया, similar words हो गया. Clear? Innocent and worse नहीं हो सकता. Reveal and unveil is synonym. They are same. ठीक है, reveal and unveil. Commission and ban नहीं है. Encourages and advocates are same. They are similar words. Clear? तो दो set of synonyms हमें मिल गए. Complete the following with phrase from paragraph 5. Because of the change in ideology, some dash. ठीक है, अब जैसे जैसे ideology change हो रही है, वो और भी क्या चीजें change हो रही है, let's see that. ठीक है, अब ये है paragraph number 5. So let's read this. Some of these stories have been around for generation, but time have changed and their elements. अब जैसे जैसे time change हो रहा है, there are elements to these classes which for some don't really fit in society as they once did. तो elements को भी change करना होगा. ठीक है, तो यही mention करा रहा होगा. Let's see that. Because of the change in ideology, some elements of classic do not fit the present day belief. Next, the writer mentions a closer look at the plot lines and character reveals some problematic trait. Mention any two examples to support this statement. तो Sleeping Beauty की आप example दे सकते हो, Cinderella की आप example दे सकते हो. यहाँ पे लिखा हुआ है, while the classic tales might seem playful and innocent, a closer look at the plot and line and character reveals some problematic trait. For example, Little Riding Hood, Red Riding Hood, the child is eaten alive by a wolf only to be saved by a hunter who cuts her out of the stomachs of the animal with an axe. फिर आप Three Little Pig का भी example दे सकते हो, that it also reaches a gory conclusion with pig murdering a wolf and eating it. Then उसके बाद आप Gingerbread Man का भी दे सकते हो, whose protagonist is also eaten by a fox. It is an ending that hard for parent to swallow, with one of them labeling it too cruel in the survey. उसके बाद आप Cinderella का भी example दे सकते हो, उसके बाद आप Sleeping Beauty का भी example दे सकते हो and Pinocchio का भी example दे सकते हो. You can give any of these examples mentioned here. Clear? Then let's read the next question. Next question says that which issue have been highlighted to be problematic in the classic fairy tale. तो इसलिए जितनी भी fairy tales हैं, इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है? Violence दिखाया हुआ है, correct. Consent भी दिखाया हुआ है, body shaming भी दिखाई हुई है. So the answer is all of these, right? So what kind of liberties are modern day parents taking? तो अब modern day parents क्या liberties ले रहे हैं to these stories? ठीक है, basically they are sticking to the morals taught at the end of the classic stories. They are not just letting their students or children read the story. They are only sticking to the moral taught at the end of the classic routine. They are taking the liberty to change the story. They are changing the story as per their own ideology, as per their own culture. Clear? So modern day parents no longer stick to the moral taught at the end of the classic story. They are taking the liberty to change their story or to their ideology. Ye bhi mentioned hai almost second year last paragraph mein. Clear? Now we are moving on to question number 2. Agar main question number 2 ki baat karu, again this is reading passage and ye bhi 10 marks ka hai. Theek hai, ab iska passage read karne se pehle ek baar hum iska first question dekh lete hain. First question ye kehta hai, complete the sentence appropriately as per the passage the government of India wants to grow in. Government of India kis mein grow karna chahti hai? Let's see that. So let's read the passage. Here it is.
The automobile industry in India is the world's fourth largest. India was the world's fourth largest manufacturer of cars and the seventh largest manufacturer of commercial vehicles in 2019. The Indian automotive industry, including component manufacturing, is expected to reach 216 and 16-18 trillion. That is equal to this US dollar by 2026. The industry attracted foreign direct investment with US dollar 24.21 billion from April 2000 to March 2020. And according to the data released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, that is DPIIT, two-wheelers and passenger vehicles dominate the domestic Indian auto market. Passengers car sale are dominated by small and mid-sized car. Two-wheelers and passengers car accounted for 80.8% and 12.9% market share respectively, accounting for a combined sale of over 21.55 million vehicle in financial year 20. The CAGR during financial year 6 and financial year 20 is 1.29%, that is financial year 16 to financial year 20. Clear. The government aims to develop India's global manufacturing and research development R&D hub. So, ye aa gaya government ka aim kya hai, to develop India as the global manufacturer ring and R&D. So, government ne kya increase karne ko bola hai R&D. ठीक है. तो एक बार हम अभी paragraph 3 बाद में भी पढ़ते हैं. We are moving on to the next question. So, yes, as per the passage, the government of India wants to grow in R&D research and development. Now, fill in the blanks with an appropriate option from the given bracket based on your understanding of the passage. We can infer that dash for promotion of industry and internal trade highlight that India has received considerable considerable amount of dash. तो अब हमने ये देखना है कि भाई कौन सा है, department है या institute है, and यहाँ पे FDI है या RDI. So we can infer that the dash promotion of industry and internal trade highlights that India has received a considerable amount of dash. Clear? So yes, let's read this. We are on already paragraph number 3. ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3 करेंगे. एंड यस, एक और चीज़ इसमें बताऊंगी कि यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इंडियाज़ फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार, सेवेंथ लार्जेस्ट, ये भी गिवन है. टू व्हीलर्स के बारे में भी मेंशनड है. Okay, so yes, let's read. The government aims to develop India as global manufacturing and research development hub. It has set up national automotive testing and R&D infrastructure project centers as well as national automotive board to act as a facilitator between the government and the industry. Under NATRIP, 5 testing and research centers have established in the country since 2015, and NATRIP's proposal for grant in aid for test facility infrastructure for electric vehicle performance certification from NATRIP Implementation Society under faster adoption and manufacturing hybrid and EVs in India. Scheme was approved by Project Implementation and Sanction Committee on 3rd January 2019. Clear? The Indian government has also set up an ambitious target of only EVs sold in the country. The Ministry of Heavy Industry, Government of India, has shortlisted 11 cities in the country for the introduction of EVs in their public transport system under the FAME scheme. The first phase of the scheme was extended to March 2019, while in February 2019, the government approved the FAME 2 scheme with a fund requirement of rupees 10,000 crore, that is equal to US dollar 1.39 billion for the financial year 20-22. Under Union Budget 2019-20, government announced providing an additional income tax deduction of Z 1 lakh, which is equal to this on interest paid on the loan taken to purchase EVs. EV sale excluding e-rickshaws in India witnessed a growth of 20% and reached 1.56 lakh units of financial year driven by two-wheelers. The government of India expect the automobile sector to attract US dollar 8 to 10 billion in local and foreign investment by 2023. उसके बाद हमें ये given है, ठीक है, this is the graph जिससे हम number of automobiles sold in India देखते हैं. अब question ये था कि we can infer from our understanding of the passage that dash for the promotion of industry and internal trade highlight that India has a received considerable amount
अमाउंट फ्रॉम डैश. अब इंडिया को फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इंडिया हैज रिसीव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डैश, तो वो आपने आंसर करना है. और ये होगा डिपार्टमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन नहीं होगा. एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ FDIs होगा. क्या होगा? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ FDIs होगा. क्लियर? FDI, ठीक है, फिर FDI क्लियर. सो यस, वेयर इट इज मेंशन, हियर इट इज मेंशन, द इंडस्ट्री attracted foreign direct investment worth rupees this much from April to this according to the data released by the department for the promotion of industry and internal trade. So ये department है for the promotion of industry and internal trade, ये institution नहीं है. And इसके according हमें considerable amount of FDI foreign direct investment receive हुआ है. Clear? So based on your understanding of the passage, list the initiative taken by the government to promote automobile industry. तो government ने automobile industry को promote करने के लिए क्या लिए? एस्टैब्लिश नाट्रिप, ये भी हमने पढ़ा. 5 टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर करे, EVs को इंट्रोड्यूस किया इन दर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और टैक्सेस भी रिड्यूस करे ऑन दी लोन्स ऑफ EVs. तो यहाँ पे कहाँ पे मेंशन है, वी कैन नाट्रिप का यहाँ पे मेंशन है कि भाई दे इंट्रोड्यूस दिस नाट्रिप, ठीक है. उसके बाद उन्होंने EVs को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इस पर टैक्सेस रिड्यूस करे, फिर EVs को एज अ पब्लिक व्हीकल भी इंट्रोड्यूस किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इंट्रोड्यूस किया. क्लियर? एवरीथिंग यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है एक एक करके, ठीक है. बस प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पैराग्राफ ढंग से पढ़ते नहीं हो और आपको आंसर्स नहीं मिलते. क्लियर? व्हाई हैज द गवर्नमेंट सेट अप नाट्रिप एंड नेशनल ऑटोमोबाइल बोर्ड? तो अभी हमने पढ़ा टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री. तो नाट्रिप का काम क्या है? बेसिकली नाट्रिप का काम ये है टू बेसिकली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, ठीक है. तो यहाँ पे ये मेंशनड है, नाट्रिप centers as well as National Automotive Board to act as a facilitator between the government and the industry. तो दोनों के दोनों सिर्फ इसी reason की वजह से बने हैं. Then moving on to the next one, what was the NATRIP proposal? तो NATRIP का क्या proposal था वो अभी हमने पढ़ा है कि भाई test facilities बनानी है for the infrastructure of EVs, electronic vehicles, ठीक है. So basically NATRIP 5 testing research centers बनाने हैं. 5 testing and research centers have been established in the country since 2015. इनका basically proposal था granted aid for test facilities infrastructure for EVs performance, ठीक है. EVs is basically electric vehicles performance. Clear? Which word can substitute the word ambitious in the following line from paragraph 4? He is smart, intelligent and an ambitious medical student. तो हम basically aspiring ही लेंगे, arrogant, dreamy और ideal नहीं होगा, क्योंकि according to the fourth paragraph you have to answer. तो इसका क्या होगा? Ambitious को भी यहाँ पे भी ambitious change हो सकता है, वहाँ पे भी ambitious change होता है, हो सकता है, and it can be changed into aspiring. Next आता है, what does the Indian government want to establish? Indian government ने क्या establish करना है? अभी हमने पढ़ा भी था ये fill in the blanks में, National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project Centers and National Automotive Board. To get to act as a facilitator between the government and the industry. Clear? Select the correct option to complete the following from paragraph 4 focuses on the ambition target of having. अब basically paragraph 4 में जो लिखा हुआ है उसका क्या focus है कि किस पे ambitious target करनी है? The overall growth of the automobile industry नहीं, only the two wheelers नहीं, only the EV being sold in the country. Yes, their focus was only on the EV being sold in the country. तो ये यहाँ पे mentioned है, the Indian government has also set up an ambitious target of having only EVs sold in the country. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 खत्म होता है. क्वेश्चन 2 के साथ साथ हमारा सेक्शन ए भी खत्म होता है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन बी. सेक्शन बी में राइटिंग भी आता है, सेक्शन बी में ग्रामर भी आता है, ठीक है. ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर इज फॉर 10 मार्क्स, एंड राइटिंग की बात करूँ तो राइटिंग इज ऑल्सो फॉर 10 मार्क्स. क्लियर? सो ग्रामर में क्या है, यू हैव टू कम्प्लीट एनी 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12. तो पेपर में भी ऐसा होगा, देर माइट बी 12 क्वेश्चंस, और उन 12 में से आपने कोई भी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने, और सारे क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क ईच है. क्लियर? सो येस, लेट्स स्टार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट एन ऑनलाइन अपडेट. तो ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपने ये कम्प्लीट बेसिकली ऑप्शन को कम्प्लीट करना है. ऑप्शन लगा के, फॉरेस्ट रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमोसफेयर डैश दैट इज roughly 13% of our total emission. So at a rate, forest remove carbon from the atmosphere at a rate that is roughly 13% of our total emission. So iska answer hoga A part, that is at a rate.
ठीक है, फिर आता है रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली. पैसेंजर वन, आर यू फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सर? पैसेंजर टू, यस, हाउ डू यू नो? पैसेंजर वन, आई ट्राई टू रिकलेक्ट सम एक्सपीरियंस आस्ट. पैसेंजर वन, यहाँ पे अच्छा इसको कंप्लीट ही करना है कॉन्वर्सेशन को. पैसेंजर वन ट्राई टू रिकलेक्ट सम एक्सपीरियंस एंड आस्क पैसेंजर टू डैश, क्या पूछा उसने? आर यू फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सर? अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमने स्टेटमेंट में चेंज करना है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है. तो उसने बहुत सर लगाया तो बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा है, ठीक है, एंड आस्क पैसेंजर टू रिस्पेक्टफुली. अब आर से क्वेश्चन शुरू है तो क्वेश्चन है तो दैट तो आएगा नहीं. मोर ओवर डब्ल्यू एच फैमिली से भी नहीं है तो आर है, आर से क्वेश्चन शुरू है तो इफ या वेदर आएगा, ठीक है, इफ या वेदर आएगा. तो रिस्पेक्टफुली इफ या वेदर में से कुछ भी लगा दो, मैं यहाँ वेदर लिख रही हूँ, ठीक है. अब यू की जगह क्या आ जाएगा? वेदर ही, ठीक है, यू आ जाएगा. आर की जगह क्या आ जाएगा? वॉज From the software industries, ठीक है. So whether he was from the software industry. अब next question आता है, select the correct option to fill in the blanks for the given line. When life is uncertain, our usual responses and coping strategies not always work. So when life is uncertain, our usual responses and coping strategies dash all not always work, may not always work. Clear? तो इसका आंसर होगा may not always work. कभी कभी work भी कर जाती है इसलिए may लगाया, ठीक है, because we are unsure about it. Select the option that identifies the error and supplies the correction of the following line from a preceding family quote. ठीक है, so basically select the option that identifies error and supplies the correction from the following line from a preceding family quote. So यहाँ पे line ही नहीं mention तो हम उसको change भी नहीं कर सकते. तो ये incomplete question जो है, this is an incomplete question क्योंकि यहाँ पे line नहीं mention, तो हम ये कर भी नहीं सकते. Now let's move on to the next part. Fifth part, complete the given narrative by filling the blanks with the correct option. Basically the center dash to monetize its prime real estate asset in the heart of the national capital to generate funds for redevelopment of 7 residential colonies. तो जो center है तो center की सोच रहा है, it is looking forward, ठीक है, so it is looking to monetize its prime real estate in the heart of the national capital to generate funds for redevelopment of 7 residential colonies. Clear? फिर next आता है fill in the blanks by using correct option of the word in the bracket for the given portion of the letter subject. Appeal for Assam flood relief. Respected sir, madam, in the last month India has witnessed one of the worst manifestation of nature's wrath flood in Assam which washed away. Kya hoga? Which washed away. Clear? Samajh aaya? Which washed away. Then moving on to the next question. Report the dialogue between Vivek and Nitya by completing the sentence. Vivek, life is so comfortable for homemakers. Nitya, you are showing your stereotyped mentality. So in response to the idea of Vivek about homemakers, Nitya said that you kisme change ho gaya he mein, aur kisme change ho gaya was mein. He was showing his stereotyped mentality. Next, identify the error in the given sentence from a school magazine report and supply the correction. A group of students were invited to come on stage and play a drama scene. The drama they presented was funny and interesting. A group of students, सिर्फ एक group को बुलाया, तो ये जो वर है ये students के हिसाब से लगा है. ये है error of proximity कि nearest noun देख के उसके हिसाब से आपने verb लगा दिया. But यहाँ पे जो subject है वो students नहीं है, यहाँ पे जो subject है वो है group of students और यहाँ पे एक ही group की बात हो रही है, ठीक है. तो कितने groups की बात हो रही है? यहाँ पे एक ही group की बात हो रही है, तो was नहीं, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा. क्लियर? नेक्स्ट, बिनी शेयर सम इंफॉर्मेशन विद पैंसी अबाउट हर विजिट टू वॉर मेमोरियल. रिपोर्ट पैंसीज क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड एट द वॉर मेमोरियल? तो पैंसी आस्क्ड बिनी हाउ मच टाइम, ठीक है, शी, हाउ मच टाइम शी हैड स्पेंट, ठीक है, हैड स्पेंट, एस पी ई एन टी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, एट द वॉर मेमोरियल. Clear? At the war memorial. Then moving on to the next question, identify the error in the correction and supply the correction. Must you pick up my brother from school on your way home tomorrow? So must you pick up nahi hoga, wo usse poochegi kya tum kar sakte ho pick up mere bhai ko. So can you pick up,
क्लियर क्या होगा, कैन यू पिक अप, देन रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज. मार्था, व्हाई आर यू स्प्रेइंग वैक्स ऑन योर कार टायर्स? जूमलू, इट मेक्स द रबर लास्ट लॉन्गर एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ड्राइंग. मार्था लुकिंग एम्यूज्ड, इज इट लाइक पुटिंग लोशन ऑन योर स्किन? जूमलू, येस एग्जैक्टली, नाउ आई सी यू आर बिगनिंग टू गेट दैट पॉइंट. सो मार्था आस्क्ड हर हस्बैंड, मार्था ने क्या पूछा, व्हाई आर यू स्प्रेइंग वैक्स ऑन योर कार टुमारो टायर्स? तो व्हाई है ना, व्हाई से क्वेश्चन शुरू है तो क्वेश्चन में दैट तो आता नहीं है. तो हस्बैंड से क्या पूछा, व्हाई है तो व्हाई ही आएगा. ठीक है, अब ये दोनों की जगह इंटरचेंज हो जाएगी क्योंकि हम स्टेटमेंट में चेंज करते हैं क्वेश्चन को. व्हाई ही वॉज पास्ट में चेंज हो जाएगा, स्प्रेइंग वैक्स ऑन हिज कार टायर्स. ठीक है, व्हाई ही वॉज स्प्रेइंग वैक्स ऑन हिज कार टायर्स, तो ये हो गया ऑप्शन ए. क्लियर, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग. डिस्पर्सिंग थ्रू थिनिंग फॉरेस्ट टाइगर्स केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन. सो क्या हो गया, डिस्पर्सिंग थ्रू थिनिंग फॉरेस्ट टाइगर्स कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन, तो ये प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने सेक्शन ए बी का ग्रामर पार्ट कवर कर लिया है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन बी एंड दैट इज राइटिंग. राइटिंग हमने कवर करनी है. राइटिंग में दो क्वेश्चन, एक लेटर का क्वेश्चन है और एक है एनालिटिकल पैराग्राफ का. दोनों 5-5 मार्क्स के हैं, तो टोटल राइटिंग 10 मार्क्स की है. तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये लेटर है एंड देयर आर टू लेटर्स और करके ऑप्शन में दिया गया है. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन एंड 100 to 120 वर्ड्स में इसका कॉन्टेंट होना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस. योर स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. यू आर हाईली मूव्ड बाय द वायलेंस ऑफ द रूल इन द वीकली मार्केट. यू आर अमरजीत, अ रेजिडेंट ऑफ वेव सिटी गाजियाबाद. Write a letter to the editor of the Tribune in not more than 120 words, drawing attention towards harm caused by law offense and also aware people about the need of an arm. So basically, ye ho gaya aapka harm caused by law offense. ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट. लेटर टू द एडिटर है, न्यूज़पेपर का नाम मेंशन्ड है. ठीक है, उसके बाद आपको इशू पूरा दे रखा है, नाम दे रखा है एंड एड्रेस भी दे रखा है. ठीक है, अब हम लेटर शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज़ जो आपका एड्रेस है ना, वो हम 3 lines में ही लिखेंगे. ठीक है, सो यू कैन राइट लाइक दिस. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, B12 वेव सिटी नेक्स्ट लाइन में कर दो, गाजियाबाद उसके नेक्स्ट लाइन में कर दो. तो यहाँ 3 lines हो जाती है. आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन. फिर 21 अक्टूबर डेट बिल्कुल परफेक्ट लिखी हुई है. उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, द एडिटर, द ट्रिब्यून, गाजियाबाद. ठीक है, क्या आता है, द एडिटर, द ट्रिब्यून, गाजियाबाद. यू हैव टू लीव अ लाइन. आफ्टर दैट यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, कंसर्निंग वायलेंस अरप्टेड पोस्ट प्लास्टिक बैन. तो जो सब्जेक्ट है, यू हैव टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट, कंसर्निंग वायलेंस अरप्टेड पोस्ट प्लास्टिक बैन. ठीक है, उसके बाद अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सर. सर के साथ जो कॉम है वो नहीं आएगा. एंड यू हैव टू स्टार्ट द लेटर लाइक दिस. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द वायलेंस एरप्टेड अक्रॉस द स्टेट पोस्ट बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक यूज. ये हो गया आपका फर्स्ट पैरा. देन वी आर मूविंग ऑन टू सेकेंड पैरा. Dozens of supermarket staff in Ghaziabad have been attacked by customers after single-use plastic. ठीक है, क्या होगा, आफ्टर सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स वो बैंड इन सुपर मार्केट. वन शॉपर इवन पुट हिज हैंड्स अराउंड अ वर्कर्स थ्रोट. सम कस्टमर थ्रू देयर शॉपिंग्स ऑन द फ्लोर एंड शाउटिंग अब्यूज एट स्टाफ. एंड वन मैन इवन पुट हिज हैंड अराउंड अ शॉप असिस्टेंट्स थ्रोट व्हेन ही फाउंड दैट ही वुड नॉट बी गेटिंग फ्री बैग्स. अदर शॉपर्स वेंटेड देयर एंगर बाय शाउटिंग स्लोगन एंड बर्निंग एफिगीज. ठीक है, समझ आया. सो ये प्रॉपर आपने लिखना है. उसके बाद आपका आता है सेकेंड थर्ड पैराग्राफ. इट वॉज रियली हार्ड फ्रेंचिंग टू सी ऑल दैट, बट आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ दोज हु प्रोटेस्टेड एंड वुड लाइक टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट डैमेजिंग गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी इज एक्चुअली डैमेजिंग आर प्रॉपर्टी. दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट एंड सेफ गार्ड द एसेट्स प्रोवाइडेड टू अस बाय द गवर्नमेंट. बट आई डोंट फाइंड एनी रीजन टू शाउट स्लोगन एंड हर्ल अब्यूजेस. Everyone should know that plastic gives rise to toxic and dangerous fumes and gases, which can potentially cause cancer in humans. It is hazardous to animals as well. So before creating any furor, introspect and react. Hope you raise my opinion in your esteemed newspaper. After that, you have to leave a line. ठीक है, फिर उसके बाद लाइन छोड़ के आपने लिखना है थैंकिंग यू. एंड थैंकिंग यू के नीचे आपने लिखना है योर्स ट्रूली एंड योर नेम.
क्लियर. देन अब इसका और पार्ट देखते हैं कि और पार्ट में क्या लेटर आया हुआ है. यू रिसेंटली केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट बाय अ न्यू डायमेंशन मेरोली विच ऑफर्स वेरियस ब्रिज कोर्सेज इन क्रिएटिव राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10. यू आर प्रकाश एंड प्रतिष्ठा ऑफ B905 गोइंका बिल्डिंग. तो आपका नाम गिवन है, आपका एड्रेस गिवन है, लेटर ऑफ इंक्वायरी है, ये हमें पता लग गया है. ठीक है, यू नीड टू डू अ कोर्स इन समर ब्रेक सो यू हैव टू राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी. तो सबसे पहले आपका आता है सेंडर्स एड्रेस जो बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है 3 लाइनों में. ठीक है, 3 लाइन्स में. आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन. फिर आती है डेट एंड आफ्टर डेट ऑल्सो यू हैव टू लीव अ लाइन. द सेंटर मैनेजर न्यू डायमेंशंस में रोली. ठीक है, अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन. ठीक है, योग्य रिसीवर्स एड्रेस. फिर आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को आपने अंडरलाइन करना है इंक्वायरी अबाउट द ब्रिज कोर्सेज एंड अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन. फिर सैल्यूटेशन में सर आ जाएगा एंड यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा. So this is in reference, yeah, this is with reference to your advertisement published in the newspaper on जिस दिन लेटर लिख रहे हो उससे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है तो वो पहले की डेट मैंशन करनी है. रिगार्डिंग ब्रिज कोर्सेज दैट यू हैव जस्ट इंट्रोड्यूस एट योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन. I know I am a little late to make such an inquiry, but if there is any scope that I could register myself for the same, for that I would appreciate if you could provide certain details. I would like to inquire about the change charges, duration, class timings, whether you are offering weekend or weekdays classes and all other relevant information. Kindly enlighten me through the admission and other procedure. I shall remain thankful to you. ठीक है, तो I would suggest you कि भाई आप इसको यहीं पर ख़त्म करो. Do not write this line. After that leave a line. ठीक है, यहाँ पर लिखो thanking you. फिर नीचे लिखो yours truly और नीचे लिखो name. ऐसे मत लिखो, clear? ऐसे गलत हो जाएगा. Now we are moving on to next question. Next question है आपका analytical paragraph. Analytical paragraph में क्या होगा, आपको कुछ piece of information दी हुएगी, either in the form of cues or pie graph, pie chart, कुछ भी दिया जा सकता है. तो उसको read करना है, उसको समझना है and then you have to write it in your own words. उसको summarize करना है, उसको analyze करना है, उसको conclude करना है. Clear? तो देखते हैं पहला एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है. द फॉलोइंग डेटा इन द ग्राफ इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन ग्रेड 10 इन मॉडल टाउन हु हैव जॉइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड विच हैज ओनली इंक्रीज्ड फर्दर. डिस्क्राइब इन 100 टू 120 वर्ड्स हाउ दिस ट्रेंड हैज ओनली चेंज्ड ओवर द ईयर्स. तो ये आपको बायोग्राफ गिवन है कि ठीक है कि ये ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है. आपने सबसे पहले ये बताने ग्राफ शो क्या करता है. The graph indicates a percentage of children in grade 10 in model town who have joined coaching institute. और ये फर्दर इंक्रीज ही होता गया है, ईयर वाइज आपने बताना है. ठीक है, और उसको एक हेडिंग भी देनी है. जैसे आप इसको हेडिंग दोगे आपके सीधे 1 मार्क आते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव हेडिंग. ठीक है, सो द एडवेंट ऑफ कोचिंग हैज ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग अ कॉरस्पॉन्डिंग इंडस्ट्री. द ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लास 10th मॉडल टाउन हु हैव जॉइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड विच हैज ओनली इंक्रीज फर्दर. This trend has only changed over the year as compared to 1990 to 2010. It shows that there has been a significant change in the number of students enrolled for coaching institute. Nearly 73% of school students enrolled in private tuitions to supplement their education in 2010, according to the graph. This significantly higher than the levels recorded in 1990. Also between 2000 and 2005, students who have joined coaching classes increased regardless of their grade, school type and gender. Clear? And now, yes, we are moving on to the next analysis, analytical paragraph or part mein jo diya hua hai. You have to analyze the picture. Dekho, bahut sari industries hai, pollution ho raha hai, ठीक है, गाड़ी चल रही है और घर भी हार्म हो रहे हैं. ठीक है, तो हम यस इसको राइजिंग पोल्यूशन लिख सकते हैं. सो यस एक टॉपिक दे देते हैं इसको, राइजिंग पोल्यूशन इज सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न. इससे सीधा आपको 1 मार्क मिल जाएगा. अब इसको एनालाइज करके आपने लिखना है. एज ऑब्वियस इन पिक्चर एंड एज पर द रिपोर्ट कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज पीपल लूज देयर लाइव्स एवरी ईयर ड्यू टू एयरबॉर्न डिसीजेस. Inhaling polluted air increases the risk of respiratory and heart disease, thereby lowering the life expectancy by 3.3 to 6.3 years. As urban air quality declines, the risk of stroke, heart disease, lung cancer and chronic and acute respiratory diseases including asthma increases for the people who live in them.
as shown in the image, factories, small scale industries and public and private transport and their fuels continue to be an important contributor to air pollution. The risk to public health and the environment from climate change are substantial and far-reaching. It has risen dramatically in past years, affecting air pollution to cause the greenhouse effect and health problems, land pollution which causes harm to our environment, and water pollution which impairs water ecosystems. These obstacles causes harm and distress to plants, animals and humans. Clear? यहाँ पे हमारा writing part खत्म होता है. बहुत easy आपका writing part. You can score full marks in this. अभी भी अगर आपको doubt है तो I'm soon uploading how to tricks for getting full marks in writing. तो वो भी ज़रूर देख लेना. Now we are moving to section C literature. जो section C literature है वो 40 marks का है. ठीक है, section C literature 40 marks का है. ठीक है, सबसे पहला जो question आता है इसमें footprints without feet और first light दोनों cover किया जाएगा. पहला क्वेश्चन जो आता है वो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ईदर फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट लाइट. ऑप्शन देख के दो क्वेश्चंस होंगे, एक एक बुक में से होगा, एक दूसरी बुक में से होगा. जो आता होगा वो ही अटेम्प्ट करना और ये क्वेश्चन होगा 5 marks का. क्लियर? सो यस, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. तो कौन सी है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का? ब्लैक एरोप्लेन पार्ट का ये है. यहाँ पे ये मेंशन है लेकिन पेपर में ये मेंशन नहीं होगा. क्लियर? What is the significance of not single cloud in the sky? That means the sky was very much clear. The significance of not single cloud in the sky is that the sky is clear. दूसरा आता है what was the pilot flying? His old aeroplane, old deck होता. तो वो ही mention करना है. How did the poet feel after calling the Paris control for the first time? Because after calling the Paris control for the first time, poet felt very good. ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि वो इंग्लैंड बहुत आराम से पहुँच जाएगा, on time पहुँचेगा और उसका English breakfast उसके लिए ready होगा. Clear? So when the pilot called the palace control the first time, he was happy that he would reach England on time for a big English breakfast. He thought that everything was going well and it was an easy flight. Clear? Next question aata hai, state true or false? None of the description A to D directly corresponds to extract. तो जो ये एक्सट्रैक्ट गिवन है क्या वो डिबेट है? नहीं, वो डिबेट नहीं है. क्या वो डिस्क्रिप्शन है? हाँ, वो डिस्क्रिप्शन है. नरेशन ने आप एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो क्लाउड है वो काफ़ी क्लियर है, मैं टाइमली पहुंच जाऊंगा. सो इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन. सो यहीं पे ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बी पार्ट अप्लाइज टू दिस द एक्सट्रैक्ट. क्लियर? अब और पार्ट में देखते हैं कि कौन सा एक्सट्रैक्ट आया हुआ है. Poor Kisa Gotami now went from house to house and the poor pitied her and said, here is a mustard seed taken. But when she asked, did a son or daughter or father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few but the dead are many. Do not remind us of our greatest, deepest grief. And there was no house but some beloved one had died in it. So Kisa's Gotami's was short-lived because she was not assured any help by her neighbor. Aisa nahi hai, everyone was helping her. No physician could revive her son. Ye bhi nahi hai. She could not get mustard seeds from each house. Nahi, aisa bhi nahi hai. She realized that death could not be averted. Clear? In sending Kisa Gotami from house to house, what was Buddha trying to teach her? So Buddha ne jab Kisa Gotami ko seeds collect karne ke liye bheja tha, to unhone ye bhi bola tha ki seed usi ke ghar से लानी है जहाँ पे किसी की भी डेथ नहीं हो. देन लेटर ऑन कीसा गोतामी टू मेक हर रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि डेथ किसी के घर में नहीं आई होगी या किसी ने सफर नहीं किया होगी. एवरी वन इन देयर लाइफ मे हैव लूज और मे क्या सर्टेनली दे हैव लॉस देयर लव्ड वंस. क्लियर? बुद्धा आस्क कीसा टू कलेक्ट मस्टर्ड सीड फ्रॉम दोज हाउसेज वेयर डेथ हैड नॉट नॉक. हिज आइडिया वॉज बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द टू ट्रूथ्स, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, दैट ह्यूमंस आर मॉडल एंड दैट इज द ओनली ट्रूथ, एंड कल्टिवेटिंग डिटैचमेंट फ्रॉम लव्ड वंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइलेंस फॉर अटेनिंग इनर पीस. क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन ए टू सी ऑफ द वर्ड पुअर एंड आइडेंटिफाई विच वन करेक्टली कॉरेस्पॉन्ड इट्स कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. पुअर, इन नीड और वॉन्ट ऑफ मनी नो, वीक और फीबल नो, अनफॉर्चुनेट और मिसरेबल. यहाँ पे कीसा गोतामी वीक नहीं थी, वीक या फीबल नहीं थी, या शी डिड नॉट वॉन्ट मनी. बेसिकली शी वॉज अनफॉर्चुनेट, दैट मीन्स दैट इज पुअर. यहाँ पे पॉवर्टी वाले पुअर की बात नहीं हो रही है. क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट करेक्ट टू से दैट
had Buddha been alive today, he could have become either a counselor or a psychologist. Yes, he could have been either a counselor or psychologist because both provide behavioral therapy to the disturbed person. Clear? Now we are on moving on to question number 7. Question number 7 bhi reference to context hai. Poems mein se hai. Do poems hai, koi bhi ek attempt karni hai jo aati hogi. Again, this is for 5 marks. To samajh lo, literature 40 marks ke hai. 40 marks mein se 10 marks to seedhe seedhe RTC ke hai. Clear? He stalks in his vivid stripes, the few step in of his cage, on pads of velvet coin. In his quiet rage, he should be lurking in shadows, sliding through long grass, near the waterhole, where plum deer pass. कौन सी पोएम से अ टाइगर इन द जू. यहाँ पे पोएम का नाम मेंशनड है, बट मेक श्योर आप फिर भी सारी पोएम्स ढंग से रीड करके जाओ क्योंकि बोर्ड्स में पोएम के नाम मेंशन नहीं होंगे. ठीक है. Fill in the blanks with one word. The tiger is in a quiet rage because his dash has been curtailed. क्या restrict कर दिया गया, उसकी freedom को खत्म कर दिया गया था. So his freedom has been curtailed. The meaning of the line in his quiet rage is the tiger is hungry. No, the tiger is sleepy. No, the tiger is unhappy and controlling his anger. Yes, tiger बहुत unhappy और था और अपने anger को control कर रहा था क्योंकि वो फंसा पड़ा था एक cage में. How does the tiger show his presence? By baring teeth and claws and by growling. Why does tiger express his rage quietly? Because वो केज में बंद था, वो कुछ नहीं कर सकता था, केज के पीछे से helpless था, अपनी strength को वो show नहीं कर सकता था. ठीक है. The tiger expresses his rage quietly because there is nothing he can do from behind the bars of his cage. He is helpless as his strength now lies inside the cage. He is no longer free as he was in the jungle. Clear? अब इसके option में देखते हैं कौन सी poem है. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed like his tail like iron in tungsten. With a clatter and a clang and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. So, what is the poet's purpose of using onomatopoeic word in the extract? अब onomatopoeic words use किए, जैसे clash use किया है, snorting use किया है, clatter, clang, jangling क्यों use किया? To show the dramatic effect, boldness को show करने के लिए custard की. ठीक है. The poet's purpose of using such word is to emphasize on the might and boldness of custard. Clear? Why does the poet want to convey through these lines? Poet क्या convey करना चाहता है कि animals जो बहुत ही coward थे, ठीक है, जो बहुत brave थे, उन्हें coward दिखाया end में, और जो starting में coward show रहा था वो end में brave दिखाया उसको. ठीक है. तो जब real danger आया तो जो सबसे coward था वो सबसे strong निकला. Clear? So the poet wants to convey that the animals which was considered by all to be coward was actually braver than them, while the rest of Belinda's pet coward in fear at the sight of the pirate. It is Custard, the cowardly dragon, that attacks him and saves everyone. This shows that the poet wants to convey that whether someone is truly brave or not only be discovered in the face of real danger. Clear? Now iska next part is select the appropriate option that support the idea in the extract. You get in life what you have the courage to ask for. No. Fear has a large shadow, but he himself is strong. No. Fear makes stranger of people who would be friends. No. Courage does not mean you don't get afraid. Courage means you don't let fear stop you. So yes, courage का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता. Courage का मतलब ये होता है कि भाई fear से तुम्हें अपने आप को रोकना नहीं है. You have to overcome that fear. Clear? Next question. The extract mentions iron in dungeon. Iron in dungeon का क्या मतलब है? Iron chain holding the person in captive. ठीक है. persons in captive, prisoners captive, basically like हथकड़ी type of a thing, या फिर जो पैरों में जंजीरें बांधी हुई है वो. ठीक है. Iron chain holding the prisoners captive. Now question number 8 की बात करते हैं. Question number 8 की बात करें तो there are 5 questions. ठीक है. पांचों के पांचों जो है वो first flight से, and you have to answer any 4. ठीक है. अब ये जो question है फर्स्ट फ्लाइट के 3 मार्क्स के, तो आपने 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द पोएट इन द पोयम फॉर एनी ग्रोगरी कन्वेज दैट वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द इनर ब्यूटी एंड नॉट टू द फिजिकल अपीयरेंस. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पोयम.
क्लियर. सो यस इट्स एम्फसाइजेस दैट जो फिजिकल अपियरेंस है इज चेंजेबल एंड हेंस इट शुड बी अनइम्पॉर्टेंट. द पोएट कन्वे दिस थ्रू अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन एने एंड अनदर स्पीकर. थ्रू एने रिप्लाई द पोएट मेक्स क्लियर हिज प्रेफरेंस फॉर इंटरनल ब्यूटी टू फिजिकल अपियरेंस. नेक्स्ट आता है व्हाट डू द रूट्स डू ऑल नाइट. ठीक है, अब पूरी रात रूट्स ने क्या किया था, ये द ट्री से है. ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू फ्री देमसेल्व एंड लीव ट्रांसपोर्ट फूड टू द रूट्स इन द प्लेस ऑफ इट्स एक्सर्शन. दे स्ट्राइव हार्ड टू सीक लिबर्टी एंड फ्रीडम, दे डू इट सीजलेसली. फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो. येस ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. दिस इज क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट व्हेन द नरेटर स्टेट दैट ईटर हैव गॉन अवे लीविंग द मेकर्स बिहाइंड. देयर आर मिक्सर्स मोल्डर्स एंड द वंस हु बेक द लोव्स. द टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट देयर. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है व्हाट डू द हेमलॉक ट्री एंड क्रो रिप्रेजेंट. व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो मेटाफोरिकली स्टैंड फॉर. ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स नेचुरल जॉय एंड एनर्जी. द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड फेज ऑफ हिज लाइफ. ही फील्स रीस्टोर्ड एंड रिवाइव्ड राइजिंग हिज स्पिरिट फ्रॉम ग्लूम टू लाइफ. क्लियर. फिर नेक्स्ट आता है हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज फॉर हर hand. So Natalia regrets fighting with Lomov and requests her father to alter his perspective about Lomov when she comes to know that Lomov had come to propose her. She wails, changes her outlook and asks her father to fetch Lomov. Clear? Then aata hai question number 9. Question number 9 jo hai wo footprint without feet se. There are 3 questions and you have to attempt any 2. Clear? 3 marks ke hai each. 40 to 50 words में आंसर करना है. What changes came into the life of Loisels after the necklace was lost? So the Loisels begin to live a life of crippling poverty. They dismissed their servants and had to shift to a cheaper and smaller apartment. She did all the household works and shipping by herself. She fetched water, washed the floor, utensils, dirty clothes by herself. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. ग्रिफिन इज एन एंटीथीसिस टू दिस स्टेटमेंट जस्टिफाई. सो येस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट डी जनरेटेड हिमसेल्फ इंटू अ लॉलेस पर्सन. ही डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम ट्रांसपेरेंट एंड इनविजिबल बट ही मिसयूज्ड हिज ग्रेट डिस्कवरी. ही डिड नॉट यूज द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज. ही मिसयूज्ड इट टू ट्रबल इनोसेंट पीपल. क्लियर. फिर थर्ड आता है इलेबोरेट ऑन द क्वालिटी ऑफ द बुक दैट सेव द प्लैनेट अर्थ. सो एन ओल्ड बुक ऑफ राइम्स मदर गूज वॉज एबल टू अवॉइड द डिजास्टर एंड इट सेव द अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन. मार्शियन कुड नॉट डीकोड द लिटिल लाइन्स स्क्वैबल्स एंड डॉट्स अलोंग द पिक्चर्स इन द बुक. व्हेन दे सॉ द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी इट रिसेम्बल्स विद द that of Think Tank. The rhyme Humpty Dumpty had a great fall made Think Tank scream and he prepared to run away. Clear? अब आते हैं question number 10. 10 पे long question है, 6 marks का है, 100 to 120 words में answer करना है. तो जो 10th question है वो आपका first flight से है. There are 2 questions, you have to attempt any one. So Wally and Anne Frank both were independent souls who wished to be what they are. Assume they both meet each other in the town and have a conversation about their passion and curiosity. Write this conversation as per your understanding of the chapter from the diary of Anne Frank and Madam Rides the Bus. You may begin like this. Anne, hey, how are you? Wally, just an adventure to town. ठीक है, फिर Anne, did you inform your parents about your so-called adventure? Wally, no, not of course. I perceive I would not have been allowed to explore the town on my own. My parents would have made false promises to take me to the town alone. So I thought of taking the opportunity on my own. You tell, what are you doing here? Anne, I just dropped in for shopping. I live in close vicinity to the town. In fact, I have come with my siblings. They're all there in the supermarket. And to your surprise, I have informed my uncle what we are doing and where we are off to. So there is nothing to get inhibited. ठीक है, अब इसी के और पार्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है. मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन. द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली पेरेंट्स एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन. द सेकंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. हाउ इज द फर्स्ट ऑब्लिगेशन वेल परफॉर्म्ड बाय मदर सीगल इन द स्टोरी द फर्स्ट फ्लाइट.
Yes, the mother seagull aroused his interest and flew towards him with a piece of fish in her beak. The young seagull dived at the fish due to hunger. Within a few moments, he felt his wings spread outwards. Thus, he started flying for the first time, provided that he pretended to be standing on the brink of the ledge with his eyes closed on one leg, with the other leg hidden under his wings. She reached close to him and halted just in front of him. The sight of food made him mad. He dived to catch the food and fell down. In the wave, he struggled and learned to fly. This was the first obligation the mother seagull had done to her child, which was well performed. Clear? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे. जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से. देर आर टू क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. 100 to 120 वर्ड्स में 6 मार्क का है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. हॉरिस डार्बी रिप्रेजेंट सच पीपल हु अडॉप्ट द रॉन्ग वेज टू फुलफिल देयर विशेज. वॉट वैल्यूज वुड यू लाइक सच पीपल टू इम्बाइब टू रिफॉर्म देमसेल्फ. ठीक है. So Horace Danby was a successful businessman. He was a respectable citizen but had a habit that led him to robberies. Danby loved rare expensive books to get them. He used to rob a safe every year. Every year he planned carefully just to get what he wanted. Danby adopted wrong ways to fulfill his wishes and hence later got trapped in a plot by a thief like him. People should imbibe good values. They should learn that hard work is the only key to success. One should work hard to fulfill their desire. I think such people should imbibe the values of honesty, responsibility, hard work, dedication and self-confidence in order to reform themselves. Clear? Then let's see iske aur option mein kya hai. With reference to the midnight visitor, do you think presence of mind should be developed and to what advantage? Elaborate, highlighting the characteristics of Orcible. So yes, Max was waiting for Orcible to steal the important paper from him. As Fowler observed, apart from the pointed gun, he did not look very menacing. Even this proved useless for him as Orcible outwitted him with his presence of mind and intelligence. Orcible cleverly found out how Max had entered the room and created an extremely believable story about the non-existent balcony. He kept calm and hearing the waiter knock, declared it to be the police. Max, in an attempt to hide, fell to his death. Thus, Orcible got rid of Max without moving a muscle. Clear? So, यहाँ पे हमारा sample paper 24 भी खत्म होता है. If you guys have any doubt related to this sample paper, you can basically comment below so that I can clear your doubt. Moreover, if you need the PDF of these sample paper, you can reach us out on the number which is given below or mail us on the mail ID which is given below. Alright? So, yes, only 6 more sample papers are left. So, I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye-bye. Bye everyone.